हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वाई सिक्योरिटी के बावजूद कैसे हुआ बाबा सिद्दीकी पर हमला? रियल ट्रूथ बिहाइंड बाबा सिद्दीकी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई में एक जगह पड़ती है बांद्रा। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी 12 अक्टूबर को रात 9 बजे तक अपने खेरवाली ऑफिस में थे और 9:30 बजे के बीच दोनों एक साथ घर जाते थे। लेकिन अचानक जीशान सिद्दीकी का फोन आता है तो जीशान सिद्दीकी सबसे पहले ऑफिस से बाहर निकले। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने पार्टी वर्कर से मिलते हुए उसी ऑफिस से निकलते। सिद्दीकी की कार ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी वहां वर्कर से मिल रहे थे कि तभी अचानक एक बम फटता है। अब वर्कर्स और बाबा सिद्दीकी को पहले लगा कि दुर्गा माता उत्सव चल रहा है इसलिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। खुद बाबा सिद्दीकी भी पटाखे फोड़ रहे थे। हालांकि आसपास कोई देवी का पंडाल नहीं था। ऐसे में भारी हंगामा हुआ और वर्कर्स उस तरफ दौड़े जहां से आवाज आई थी। वहीं बम के विस्फोटक से भारी धुआं हो गया और इसके बाद अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं और ये तीनों अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इस बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। धुएं की वजह से खांसी और आंखों में जलन होने लगी। किसी को कुछ ना तो ढंग से दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इस धुएं और आवाज की वजह से किसी को समझ नहीं आया कि गोली चली, कहां चली, किस पर चली। लेकिन जब धुआं हटा तो दिखा कि बाबा सिद्दीकी कार में खून से लथपथ पड़े थे। ये देखकर मौके पर हड़कंप मच गया और फौरन आसपास मौजूद पार्टी वर्कर्स ने उन्हें पास के लीलावती अस्पताल पहुंचाया। हालांकि सीने में गोली लगने की वजह से बाबा की मौत हो चुकी थी। हमले के दौरान एक गोली बाबा सिद्दीकी के साथ आए वर्कर के पैर में भी लगी थी और 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की कार पर लगी। अब एक और ये भी है कि बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी लेकिन फिर भी गोली शीशे में घुस गई। हथियारों के पास जो हथियार थे वो काफी एडवांस थे। इसके साथ बाबा सिद्दीकी को वाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी। इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल तैनात किया गया था। हालांकि फायरिंग के दौरान ये पुलिस वाले कहां थे और असल में क्या हुआ इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अब बाबा सिद्दीकी के बाद मामला पहुंचता है गिरफ्तारी पर। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात आती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर शुभू लोंकर नाम का शख्स एक पोस्ट करते हुए कहता है। इस पोस्ट में कहा गया कि जो सलमान खान और दाऊद की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बनाए जा रहे हैं। एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। अब इसे एक पोस्ट के साथ ये कहा गया कि इस हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि सलमान को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसने अभी कुछ दिन पहले ही सलमान के घर पर गोली चलवाने की जिम्मेदारी भी ली थी। खैर, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट में कहा गया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में कहा गया, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम रिस्पॉन्स जरूर देंगे, हमने पहली बार कभी नहीं किया। इस पोस्ट में आखिर में हैशटैग्स भी लगाए गए। हैशटैग लगाकर लिखा गया, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित भादू शेरेवाला। अब इस पोस्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए साहब कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया गया है वो शख्स कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फेसबुक हैंडल जिस शुभ लोंकर का है उसका असली नाम शुभम लोंकर हो सकता है। शुभम लोंकर को इसी साल फरवरी के महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इसी के बाद से पुलिस की जांच में शुभम लोंकर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया था। उसने पुलिस को पूछताछ में भी बताया था कि उसके बाद विदेश में बैठे लॉरेंस के करीबी अनमोल बिश्नोई से होती है। दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी बात करते थे। साथ ही पुलिस की जांच में उस वक्त शुभम लोंकर ने यह भी कबूल किया था कि उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से भी हो चुकी है। अब इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स इतने बड़े नेता तक पहुंच सकता है तो क्या अब सच में अगला नंबर सलमान खान का है। तभी तो जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली वहीं मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें गैलेक्सी के बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी देखी जा सकती है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई पुलिस को परेशान कर दिया है। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक सोर्स ने बताया कि सिक्योरिटी के लिए काफी चीज बदली जा रही है, लेकिन यार सवाल तो ये भी है कि आखिर सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सितंबर 1998 की बात है साहब, राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान इस फिल्म में लीड एक्टर थे। 27 से 28 सितंबर की रात कांकाणी गांव में एक खेत के पास गाड़ी की लाइट चमकी। गांव वाले फौरन अपने घर से निकले, उन्हें सफेद जिप्सी दिखी। वो भाग गए कि क्यों शिकार करने आया। इसी बीच गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में इस घटना की खबर छपी। एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू ठहरे थे। वहां काला हिरण के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज वहां मिले। मामले में खाने का सलमान खान के खिलाफ सलमान और उन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल बिश्नोई समाज में हिरण की पूजा होती है, वो हिरण के लिए कुछ भी कर गुजरने पर उतारू हो जाते हैं। 2018 में बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब बस इसी को लेकर उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाई थी। 14 अप्रैल 2024 सुबह के 4:51 का वक्त था। 2 बाइक सवार सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचते। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में गोली सलमान के घर के दीवार पर लगी। वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इसलिए ये डर भी बढ़ गया है कि कहीं अगला नंबर सलमान खान का न लग जाए, इसलिए उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। अब ऐसे सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल तो बाबा के लिए भी बनता है कि बाबा सिद्दीकी को बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी तो फिर साथ में क्यों थे सिर्फ 3 पुलिस वाले? बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात थे? इस बात की आधिकारिक जानकारी में मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया है कि 3 पुलिसकर्मी बाबा के साथ थे, जबकि नेताओं के बयान के मुताबिक बाबा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दिए जाने की बात कही जा रही है। तो फिर 3 पुलिसकर्मी कैसे? क्योंकि अगर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी तो वाई कैटेगरी में तकरीबन 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें से 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मी भी होते हैं। इसके तहत 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स का ऑफर भी किया जाता है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाने वालों में एनएसजी कमांडो से लेकर बाकी एजेंसियों से जुड़े जवान और अधिकारी भी शामिल होते हैं। अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती है तो बेहद ट्रेंड कमांडोज इन शूटर्स को वहीं पर ढेर करने की ताकत रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी थे कौन। देखिए, बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में वॉचमेकर का काम करते थे। अच्छा। सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। हालांकि काम में वॉचमेकिंग में कम और पढ़ाई के दौरान राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और फिर बस वो उसी में मेहनत करने लगे और 1977 में NSUI मुंबई के मेंबर बन गए। इसके बाद वहां मेहनत की और 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बनाए गए और इसके बाद 1982 में अध्यक्ष। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी एंट्री होती है। 1982 में पार्षद के रूप में चुने गए। इसके बाद बाबा ने पहले वहां पर पांव जमाए, चुनाव लड़े और इसके बाद बांद्रा वेस्ट सीट से लगातार 3 खुद का कोई दूसरा कोई काम नहीं था। 2004 से 2008 तक मंत्री भी रहे। तो इतना प्रॉपर्टियां कहां से आ गई? अब ये तो हुआ पॉलिटिकल करियर, पर एक सवाल ये भी रह गया साहब कि इन सब में बॉलीवुड कहां से आ गया? क्योंकि शुरुआती दौर से सिद्दीकी की राजनीति कर्म भूमि बांद्रा रही है और ज्यादातर फिल्मी हस्तियां भी बांद्रा में ही रहती हैं। तो जब वो राजनीति में पांव जमा रहे थे उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त से। कहते हैं उसके बाद वो संजय दत्त के करीब आए और बेहद करीब आ गए। दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। चूंकि संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए संजय ने उनकी मुलाकात सलमान से करवाई और यहीं से शुरू होती है बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की कहानी, जहां सब सारे सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने बांद्रा में सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। मकबा हाइट्स में मौजूद इस ड्यूप्लेक्स के मालिक हैं बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी। जिसमें भी वो रहता है, वो किराए पे है? बात होती है या आगे कभी होगी तो एक किस्सा जरूर निकल कर आता है, वो है सलमान शाहरुख की दुश्मनी का किस्सा। उन्होंने बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स यानी सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करा दिया था।
कहा जाता है कि साल 2008 में कटरीना कैफ के जन्मदिन पर शाहरुख और सलमान के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो दोनों बड़े बड़े इवेंट्स में भी एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। मीडिया में भी बात सामने आ गई कि शाहरुख और सलमान के रिश्ते में कुछ तनाव चल रहा है भाई। फिर 2013 में बाबा सिद्दीकी ने अपनी मशहूर इफ्तार पार्टी में दोनों को इनवाइट किया। उसी दौरान सलमान और शाहरुख लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले और कहा जाता है कि उसी पार्टी में शाहरुख सलमान ने गले मिलकर अपनी 5 साल लंबी चली दुश्मनी को खत्म किया था। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि क्या सच में बाबा के साथ दाऊद के रिलेशन थे। दरअसल मुंबई की दंत कथाओं में बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का ब्रिज कहा गया, क्योंकि कथित तौर पर संजय दत्त का कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से माना जाता है और बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं, तो उनके दाऊद और डी कंपनी से भी जुड़े होने के कयास लगाए जाते रहे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर उनका दाऊद से रिलेशन था तो दाऊद उनको धमकाता क्यों? दरअसल सामना में छपी एक खबर के मुताबिक मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकाया कि वो इस मामले से दूर रहें, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबा शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर मकोका लगा दिया। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर 2013 में दाऊद ने फोन पर बाबा को धमकाते हुए कहा था, राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, एक था एमएलए। सिद्दीकी पर ईडी की रेड भी पड़ चुकी है। मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम में जिनका नाम आया उनमें बाबा भी थे। 2017 में उसी से जुड़े एक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने उनके घर पर छापा भी मारा। हालांकि इस पर आगे कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। बाबा सिद्दीकी सिर्फ नेता नहीं थे, नेताओं में उन्होंने अपनी ऐसी पैठ बनाई थी कि वो कुछ ना भी हो तो भी वो बहुत बड़े हैं। उनका बुलावा माने पत्थर की लकीर और सेलिब्रिटीज का जाना तो। पुलिस ने दो आरोपी गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी शिवा और चौथा जीशान अख्तर फरार है। अपने सिस्टम में कितनी खराबी है कि ईडी को सब आगे बढ़ ही नहीं पा रही ईडी, और बंदे को देखो कि उसके पास उसमें इतनी ताकत है कि वो इफ्तार पार्टी करता है, पूरा का पूरा बॉलीवुड उसके पार्टी में आता है, और कपड़े कैसे पहनती हैं एक्ट्रेसेस वो भी हम देख चुके हैं उस पार्टी में। कि बहुत सारे जहां तक है कुकर्मा किया था, उसकी लिस्ट एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कि बहुत बड़ी चीजें कुछ यूट्यूबर्स ने पूरी कवर भी की है, कहां कहां वो घपले में था, क्या क्या उसने प्रॉब्लम थी, इतना पैसा कहां से आता था, उन पार्टियों में क्या होता था, तो वो सब देख के आपको नजर आता है कि वो इतना अच्छा इंसान नहीं था। पॉइंट ये है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर लॉरेंस फिशनोई जो भी कार्य कर रहा है वो बुरे लोगों के साथ ही करता है। पॉइंट यहाँ से आ रहा है सारा। बिल्कुल, और जिस तरह से दिखा रहे हैं कनेक्शंस जिस जिसके साथ हैं, बॉलीवुड में भी जिसके क्लोज है उन सब के भी जो चीजें उन्होंने की हुई हैं वो भी बड़ी शक्की हैं। सलमान खान हो गया, संजय दत्त हो गया, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस का अभी तक आंसर नहीं आया। गिल्टी हो चुका है, सजा हुई मगर दो दिन किया, गिल्टी में हो के बैठा हुआ है अभी, और उसके बाद सजा हुई है गिल्टी होके, वो ही सजा नहीं की 5 साल बेल पे चला गया, वही तो केस का यहाँ पे ये फ्रीली घूम रहा है, यहाँ वहाँ पे बाबा सिद्दीकी फ्रीली घूम रहा था। सिस्टम कैसा है मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूँ। एक मतलब एक मैं तो सोच रही हूँ कि एक नॉर्मल जो कॉमन आदमी है वो कितना डेंजरस लाइफ जी रहा है। भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ इन लोगों के साथ पंगा हो जाए, वो तो फिर वो तो फाइट ही नहीं, वो तो इंसाफ ले ही नहीं सकता। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक एग्जांपल है कि भाई उसकी सलमान खान के साथ हुई है, वो इंसाफ मिल ही नहीं रहा, वो हिरन का इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा एक बेचारा नॉर्मल कॉमन इंसान। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।